Myself, Dr. Swati Sharma. I am Associate Professor in Botany in Government College, Jaipur. आज का हमारा टॉपिक है राइनिया. पेलियो बॉटनी के इतने टॉपिक्स जो हमने जनरल टॉपिक्स पढ़े, अब हम पढ़ेंगे फॉसिल्स, जिसमें कि पहला मेंबर है आपके राइनिया. क्लासिफिकेशन में इसका जो क्लासिफाई किया है राइनिया को, वो डिवीज़न साइलोफाइटा में इसको रखा गया है. साइलोफाइटा के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो हैं वो ये हैं कि इसमें ऑर्गन का डिफ्रेंसीशन बहुत कम होता है. मतलब इसमें सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन्स जब बनते हैं तो ऑर्गन डिफ्रेंसीशन बहुत ही कम देखा गया है, क्योंकि बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का डिवीज़न है जिसमें बहुत प्रिमिटिव मेंबर्स आते हैं, तो ऑर्गन डिफ्रेंसीशन इसमें कम देखा जाता है. इसमें जो स्पोरोफाइट है उसमें सबटेरेनियन राइजोम पाया जाता है, मतलब ज़मीन के नीचे राइजोम प्रेजेंट होता है, जिस पर एरियल शूट्स, इरेक्ट एरियल शूट्स प्रेजेंट होते हैं. ट्रू रूट्स एब्सेंट होती हैं. राइजोम पर राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं. लीव्स एब्सेंट होती हैं. केवल स्केल्स प्रेजेंट होती हैं. वेस्कुलर सिलेंडर इसमें प्रोटोस्टील टाइप का होता है. प्रोटोस्टील जो अब स्टीलर सिस्टम में आपने पढ़ा होगा कि ये मोस्ट प्रिमिटिव टाइप का स्टीलर सिस्टम होता है, जिसमें कि सेंटर में जाइलम सराउंडेड बाय फ्लोएम. इतना सा सिंपल स्ट्रक्चर इसके वेस्कुलर सिलेंडर का होता है. स्पोरेंजिया टिप पर, ब्रांचेस की टिप पर सिंगली बॉर्न होंगे. सिंगल स्पोरेंजिया, एक ब्रांच के टिप पर एक स्पोरेंजिया बॉर्न होता है. दे आर होमोस्पोरस. एक ही प्रकार के स्पोर्स इसमें पाए जाएंगे. माइक्रो और मेगा, दो प्रकार के स्पोर्स नहीं पाए जाएंगे, होमोस्पोरस. तो ये सारे के सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो सारे प्रिमिटिव कैरेक्टर्स हैं, कि होमोस्पोरस होना, वेस्कुलर सिलेंडर का प्रोटोस्टील होना, ऑर्गन डिफ्रेंसिएशन कम से कम होना, राइजोइड्स का प्रेजेंट होना, रूट्स एब्सेंट होना. तो ये साइलोफाइटा के कैरेक्टर्स हैं. क्लास इज साइलोफाइटोप्सिडा, जिसमें केवल एक ही ऑर्डर आता है, साइलोफाइटेल्स. साइलोफाइटेल्स में सिर्फ फॉसिल जेनेरा को ही रिप्रेजेंट करता है साइलोफाइटेल्स. जितने भी इसमें मेंबर्स प्रेजेंट हैं सारे फॉसिल फॉर्म में ही पाए जाते हैं. प्लांट बॉडी इनकी बहुत ही सिंपल होती है, और इसको इसमें सबटेरेनियन राइजोम होता है और एरियल स्टेम होता है. तो टेरिडोफाइट्स में जो फॉसिल्स पाए जाते हैं उनमें हम पहला मेंबर राइनिया पढ़ेंगे, जिसमें कि साइलोफाइटेल्स का ये मेंबर है, और एरियल ब्रांचेस जो होती हैं वो इसमें डाइकोटोमसली ब्रांच होती हैं, यानी दो दो में इसकी ब्रांचेस डिवाइड होती हैं. ट्रू रूट्स एब्सेंट, राइजोइड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं. स्टेम नेकेड होता है, उस पर कुछ नहीं पाया जाता, या फिर स्केल के जैसी बहुत छोटी छोटी पत्तियाँ पाई जाती हैं. वेस्कुलर सिलेंडर प्रोटोस्टील, जिसमें सेंटर में जाइलम सराउंडेड बाय फ्लोएम. स्पोरेंजिया इसमें होमोस्पोरस, यानी एक ही प्रकार के स्पोर्स पाए जाते हैं. फैमिली राइनिएसी, इसके राइनिएसी के जितने भी मेंबर्स हैं उनमें प्रोस्ट्रेट सिलेंड्रिकल राइजोम पाया जाता है, मतलब ज़मीन पे फैला हुआ. प्रोस्ट्रेट मतलब ज़मीन पे फैला हुआ सिलेंड्रिकल राइजोम, जिसमें कि डाइकोटोमसली ब्रांच्ड स्टेम प्रेजेंट होता है, यानी इसमें एरियल शूट्स जो प्रेजेंट हैं वो डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होते हैं. प्लांट्स में रूट्स नहीं पाई जाती. स्पोरेंजिया ब्रांचेस के टिप पर अकेले बॉर्न होते हैं, और इस फैमिली में 6 जेनेरा हैं, जिसमें आपके कोर्स का है राइनिया. राइनिया का नाम राइनिया इसलिए पड़ा क्योंकि ये सबसे पहले राइनिक विलेज में इसको डिस्कवर किया गया था, इसके फॉसिल को. नदर्न स्कॉटलैंड के राइनिक विलेज में सबसे पहले इसका जीवाश्म प्राप्त हुआ था, इसलिए इसका नाम है राइनिया. मिडिल डेवोनियन एज में ये मिलता है, मतलब सेडिमेंटरी रॉक्स के मिडिल डेवोनियन पीरियड जो है उसमें इसका फॉसिल पाया गया, और किट्सटन और लैंग ने 1917 में इस फॉसिल को सबसे पहले डिस्कवर किया था. उसके बाद में इसकी दो स्पीशीज़ डिस्क्राइब हुई, राइनिया मेजर और राइनिया गुआइनी वगानी, इसको डिस्क्राइब किया गया. और इसका जो प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है. ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये राइनिया का प्लांट है, और जैसा कि हमने अभी तक क्लासिफिकेशन में पढ़ा कि इसमें सबटेरेनियन राइजोम पाया जाता है, राइजोम पर राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ज़मीन के अंदर होता है, उससे एरियल शूट अराइज होता है जो कि डाइकोटोमसली ब्रांच्ड है. दो दो ब्रांचेस इसमें, ब्रांचिंग सिस्टम जो डिवीजन होता है ब्रांचेस का वो डाइकोटोमस है, और इसकी ब्रांचेस की टिप पर अकेला एक स्पोरेंजिया पाया जाता है. लीव्स इसमें नहीं पाई जाती हैं, या फिर बहुत छोटी छोटी स्केल के समान पत्तियाँ पाई जाती हैं. एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, जैसे कि अभी आपने देखा कि हॉरिजॉन्टल यानी ज़मीन पे फैला हुआ राइजोम होता है, जिसपे कि राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं, इस पर इरेक्ट डाइकोटोमसली ब्रांच्ड एरियल स्टेम पाया जाता है. राइनिया मेजर का जो एरियल स्टेम होता है वो 50 सेंटीमीटर तक की हाइट हो सकती है उसकी,
और 1.5 to 6 mm उसका डायमीटर मिलीमीटर उसका डायमीटर हो सकता है। और राइनिया ग्वाइनी वगानी में 20 सेंटीमीटर लेंथ हो सकती है स्टेम की और 2 to 3 mm उसका डायमीटर हो सकता है। रूट्स नहीं पाई जाती हैं राइजोम से, राइजोइड्स अराइज होते हैं। स्टेम इसमें नेकेड होता है या उसमें मतलब पत्तियाँ नहीं पाई जाती हैं, और अगर पत्तियाँ पाई भी जाती हैं तो बहुत ही छोटी स्केल के समान पत्तियाँ पाई जाती हैं। एरियल ब्रांचेस जो होती हैं वो एंड में जाकर के एक अकेला स्पोरेंजिया उनमें प्रेजेंट होता है। राइनिया ग्वानी वगानी में कुछ एडवेंटिशियस ब्रांचेस भी प्रेजेंट होती हैं जो कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को शो करती हैं। हो सकता है कि उसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन उन एडवेंटिशियस ब्रांचेस के कारण होता हो, मतलब कुछ उसमें ब्रांचेस ऐसी पाई जाती हैं राइनिया ग्वाइनी वगानी में, तो इसमें ये माना जाता है कि ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का काम करती हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर जब हम उसका राइजोम का और स्टेम का स्टडी करते हैं तो वो बहुत ही सिंपल होता है। इसमें प्रोटोस्टील पाई जाती है। प्रोटोस्टील सबसे प्रिमिटिव टाइप की स्टील होती है, यानी वेस्कुलर सिस्टम जब बनना शुरू हुआ होगा तो सबसे पहले इस प्रकार की स्टील का डेवलपमेंट हुआ होगा, क्योंकि हम कहते भी इसे स्टील है। टेरिडोफाइटा में हम वेस्कुलर सिस्टम नहीं कहते हैं, उसको स्टील कहते हैं। स्टील इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बहुत ही प्रिमिटिव टाइप की होती है, बहुत ही सिंपल इसका स्ट्रक्चर होता है। और प्रोटोस्टील सबसे ज़्यादा सिंपल स्टील है जिसमें कि जाइलम सराउंडेड बाय फ्लोएम, सेंटर में जाइलम प्रेजेंट होता है, चारों तरफ से फ्लोएम से सराउंडेड होता है। जाइलम जो है उसमें सिर्फ ट्रैकीट्स पाए जाते हैं, वेसल्स नहीं पाई जाती हैं, और फ्लोएम में केवल इलोंगेटेड थिन वॉल्ड सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो उसमें टिश्यू डिफरेंशिएशन भी फ्लोएम में और जाइलम में ज़्यादा इसमें नहीं होता है। फ्लोएम तो केवल थिन वॉल्ड इलोंगेटेड सेल से मिलकर के बना हुआ होता है। उसके वेस्कुलर सिलेंडर के बाहर कॉर्टेक्स पाई जाती है, वो ब्रॉड होती है जो कि इनर और आउटर कॉर्टेक्स में डिफरेंशिएटेड होती है। जो इनर कॉर्टेक्स है उसमें स्फेरिकल सेल्स होती हैं जिसमें कि सेलुलर स्पेस बहुत ज़्यादा होती है, मतलब इंटरसेलुलर सेलुलर स्पेस काफ़ी ज़्यादा होती है उसमें। आउटर कॉर्टेक्स ग्रीन कलर की होती है आउटर कॉर्टेक्स, क्योंकि उसमें फोटोसिंथेटिक टिश्यू है, उसमें पिगमेंट पाया जाता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, इसलिए उसका कलर ग्रीन होता है। उसका मेन फंक्शन फोटोसिंथेसिस होता है। क्योंकि इसमें लीव्स या तो नहीं पाई जाती है, स्केल के समान पाई जाती हैं, तो प्रकाश संश्लेषण का काम तने का होता है। ये जो आउटर कॉर्टेक्स है इसमें बहुत साइज़ में बड़ी एंगुलर सेल्स होती हैं जिसमें इंटरसेलुलर स्पेस पाई जाती है, केवल स्ट्रोमेटा के नीचे नहीं पाई जाती है। बाकी इसमें स्टेम में स्ट्रोमेटा भी पाए जाते हैं। आउटर मोस्ट लेयर जो है एपिडर्मिस की बनी है, सिंगल लेयर एपिडर्मिस होती है, और उसके बाहर एक थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होती है और वहाँ पर स्ट्रोमेटा पाए जाते हैं। एंड स्ट्रोमेटा आर गार्डेड बाय 2 गार्ड सेल्स। हर स्ट्रोमेटा को दो गार्ड सेल्स गार्ड करती हैं। तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, सेंटर में इसमें जाइलम प्रेजेंट है सराउंडेड बाय फ्लोएम, उसके बाहर कॉर्टेक्स प्रेजेंट है। कॉर्टेक्स में इनर कॉर्टेक्स और आउटर कॉर्टेक्स, आउटर कॉर्टेक्स में ग्रीन कलर का है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाया जाता है और फोटोसिंथेसिस उसका मेन फंक्शन होता है। और जो एपिडर्मिस है वो सिंगल लेयर्ड है और उसके बाहर थिक क्यूटिकल प्रेजेंट है और उसमें जो है स्ट्रोमेटा पाए जाते हैं एपिडर्मिस में, जो कि प्रकाश संश्लेषण गैसियस एक्सचेंज जो भी काम लीव्स का होता है वो स्टेम करता है, क्योंकि लीव्स इसमें या तो नहीं पाई जाती हैं या स्केल के समान बहुत ही छोटी होती है साइज में। नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इसमें स्पोरिंजिया पाया जाता है। स्पोरिंजिया ब्रांच के टिप पर सिंगल प्रेजेंट होता है, लार्ज होता है, पॉइंटेड एंड होता है, सिलेंड्रिकल उसकी शेप होती है। स्पोरिंजिया में एक जैकेट पाई जाती है जो कि कई लेयर्स थिक होती है। बाहर की तरफ जैकेट एक कवरिंग प्रोटेक्शन के लिए पाई जाती है जो कि कई सेवरल सेल्स थिक होती है। उनका डेहिसेंस नहीं होता है क्योंकि ये जैकेट है बहुत ज़्यादा थिक होती है। जब जैकेट लेयर डिके हो जाती है, जब ये ख़त्म हो जाती है, तब जाके स्पोर्स का उसपोर्स जो है वो लिबरेट होते हैं। इसमें बहुत सारे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्यूटिनाइज्ड होते हैं, वॉल इनकी क्यूटिन की क्यूटिनाइज्ड होती है, और सारे स्पोर्स एक ही प्रकार के होते हैं यानी होमोस्पोरस है। टेट्राड में पाए जाते हैं, मतलब चार चार इकट्ठे पाए जाते हैं, जो कि ये दर्शाता है कि ये मियोसिस से बने हैं, अर्धसूत्री विभाजन से बने हैं। एक कोशिका की चार कोशिकाएं बनती हैं अर्धसूत्री विभाजन में और क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। तो अगर इसमें टेट्राड पाए जाते हैं तो मतलब कि ये मियोटिक डिविजन अर्धसूत्री विभाजन के बाद में बने थे। गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट इसका अभी तक कोई नोन नहीं है कि इसमें गैमेटोफिटिक कंडीशन कैसी, स्टेज कैसी थी, लेकिन कुछ वर्कर्स कहते हैं कि गैमेटोफाइट इसमें पाया जाता था। और इसमें लियोन
के अनुसार गैमेटोफाइट एक मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर था जो कि स्पोर्स के जर्मिनेशन से बनता था। मतलब जो ये होमोस्पोरस कंडीशन है, स्पोरिंजिया में स्पोर्स पाए जाते हैं, ये स्पोर्स जर्मिनेट करते थे और मल्टीसेलुलर गैमेटोफाइट बनाते थे। पंत का कहना ये है कि इसमें जो गैमेटोफाइट था वो होमोलोगस था, मतलब जैसा स्ट्रक्चर स्पोरोफाइट का दिखाई देता है वैसा ही स्ट्रक्चर गैमेटोफाइट का भी था, बिल्कुल एक जैसा स्ट्रक्चर था। और जो प्लांट्स हमें फॉसिल पाए गए हैं उनमें से कुछ गैमेटोफाइट भी हो सकते हैं, जो कि देखने में बिल्कुल वैसे लग रहे हैं हमें, लेकिन वो स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों प्लांट्स हमें मिले हैं। जैसे कि उनका कहना है कि राइनिया मेजर जो है वो तो स्पोरोफाइट है और राइनिया ग्वाइनी वोगानी जो है वो गैमेटोफाइट है। ये दो स्पीशीज़ नहीं होके ये एक ही प्लांट था जो कि एक गैमेटोफाइट है और एक स्पोरोफाइट है। राइनिया में कई प्रिमिटिव कैरेक्टर्स पाए जाते हैं जो कि हमें लिंक करते हैं अपने बाकी लोअर प्लांट से, और एवोल्यूशन हमें इससे इसकी हमें काफ़ी जानकारी मिलती है क्योंकि ये वो प्लांट्स हैं जो कि टेरिडोफाइट्स में सबसे पहले डेवलप हुए थे और अब वो जीवाश्म के रूप में पाए जाते हैं। स्पोरोफाइट इसका बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि हमने पढ़ा उसमें रूटलेस होता है, रूट्स ही नहीं पाई जाती उसमें, जो स्टेम है वो सबटेरेनियन है और एरियल पोर्शन पाया जाता है। जो स्टेम है वो डाइकोटोमसली ब्रांच है, प्रोटोस्टील होना स्टेम में ये प्रिमिटिव कैरेक्टर है, शूट का लीफलेस होना एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है और इसमें प्रेजेंस ऑफ सिंगल टर्मिनल स्पोरेंजिया। तो ये जो कैरेक्टर्स हैं ये राइनिया के बताते हैं कि ये मोस्ट प्रिमिटिव टेरिडोफाइट रहा होगा जो कि सबसे पहले डेवलप होने वाले टेरिडोफाइट्स में होगा, और ये जो कैरेक्टर्स हैं ये सबसे ज़्यादा ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि एक कनेक्टिंग लिंक हमें बताते हैं कि ये लोअर प्लांट्स जैसे कि थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा से किस प्रकार से टेरिडोफाइट का उद्भव हुआ होगा। तो ये सारे कैरेक्टर्स इसके प्रिमिटिव कैरेक्टर्स हैं। थैंक यू।